उसके बाद जो मर्जी इनसे काम करवा लो, खुश होके कर देंगे। ऐसी क्या चीज है जो वाइफ शादी के बाद, प्रिया से भी मैं पूछूंगा। अच्छा एक और सवाल है, अब ये बता सबसे बड़ा क्या होता है? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग आए हैं मॉर्निंग वॉक पे, मैं, मम्मी, पापा और स्पाइकी। और हमारे घर के ना आगे बहुत बड़ा पार्क है, तो हम लोग रोज आजकल वहीं पे जा रहे हैं। हे मम्मी, पापा और स्पाइकी आगे चले गए। सुबह सुबह थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है, थोड़ा वेट भी ओवर हो गया ना, तो थोड़ा वेट भी कम हो जाएगा। हमारे साथ ढलनी आए क्योंकि जिया भी अकेली है, अगर वो उठ जाती तो ना मुझे देखती ना मम्मी को देखती तो रोने लग जाती, तो वो भी थोड़ा लेट काम करते हैं रात को, तो सोए हुए हैं अभी दोनों मस्त से। इसको जाना है गिल्ले में, इसको ना साइड साइड गीली घास है, ओस पड़ी हुई है, तो उसमें जाने में मजा आ रहा है। सूरज उगने वाला है, इसको रस्सी पकड़ के चलना है, खुद रस्सी जोड़ दे, मैंने पकड़ा तो ना रस्सी, आ जा दे। ये देखो, ये देखो, ये बोलते है ना मुझे मेरी रस्सी दे दो। छोड़ दो बाबा, एक बार छोड़ दो, छोड़ दो, दे दो, दे दो, हाँ चल। मम्मी की सहेलियां भी मिल चुकी हैं, अब हम जा रहे हैं घर को। और घर पे भी अभी बहुत सारा काम है, आज से कलर स्टार्ट हो रहा है ना, घर पे पेंट कर रहे हैं, तो सामान सारा बाहर रखना है, इधर उधर करना है, तब तो सीधा घर पे जाके मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरी बन चुकी है चाय, ऊपर काम चल रहा है ना, तो चाय की चाय भी चाहिए होगी। ये देखो इतना पेंट हो गया, दूल्हे राजा तो अभी उठ रहे हैं, सारा काम इनसे करवाओ ना मम्मी। तो गाइस देखो यहाँ पे इतना खिलारा मचा हुआ है अभी, तो क्या कहते हैं इसको मम्मी, बिरला पट्टी, हाँ भाई ये हुई है, अब पेंट होगा उसके बाद, फिर नीचे भी पेंट होना है। चाय पी लो, आ जाओ। पापा कहाँ? ऊपर। अभी ये वाली ईंटें सारी ऊपर लेके जा रहे हैं, ये हमारे मजदूर, सस्ते मजदूर है, एक एक चाय, एक एक चाय के कप में मान जाते हैं। ये लो चाय, ये सुबह सुबह ड्रायर मार के आए वालों में। एक एक ईंट इसके भी कमर में बांध दो, ये कहाँ गई, ये इसकी अलग ही चल रही है। अगर कुछ ना कुछ तो ले जाऊं मैं, ये यहाँ पे ईंट रखी जा रही है। चलो पापा चाय पी लो। तो गाइस मेरा सारा काम खत्म हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रही है गुड मॉर्निंग, जब जागो तब सवेरा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो पैर हो रही है, ठीक है, मेरे लिए गुड मॉर्निंग है गाइस, मैं अभी उठा बस। तो मैंने तो इनसे कहना ही छोड़ दिया है कि जल्दी उठो, ये करो वो करो। तो गाइस अभी हमने, हमारे घर में पेंट होने वाला है, तो अभी कुछ कलर वलर कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ है, कौन से रूम में कौन सा पेंट करो, कौन से रूम में कौन सा पेंट करवाना है, तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा पता कर लेते हैं कि कौन सा पेंट अच्छा लगेगा करने के लिए। क्या बात है गाइस। और आज से मैं सोच रही हूँ कि जो व्लॉगिंग वगैरह है ना, मैं इनके भरोसे नहीं रहूँ, ये उठेंगे फिर हम करेंगे ना, मैं खुद करूंगी। एक दिन सुबह सुबह उठ गई, कैसा बन रही, ज्यादा ही मत सोच, ज्ञान मत वो कर, ठीक है, सुबह उठना चाहिए। मैं सुबह उठना, जो 12 बजे उठता है उसको क्या पता कौन सुबह उठता है कौन रात को उठता है। आज ही उठी है तू गाइस, आज उठी है 12 बजे, 12 बजे कह रहा हूँ, हाँ, बस अपना ही हो। 5 बजे और आज ज्यादा वो कर रही है, सुबह सुबह उठना चाहिए, मैं कुछ सफाई देना नहीं चाहता, सुबह 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 ये करना चाहिए, सुबह सुबह ये करना चाहिए। अगर 2-3 दिन लगातार सुबह उठ के ब्लॉग बनाएगी ना, तो मैं मानूंगा हाँ सुबह उठती है गाइस। 3 ब्लॉग कंटिन्यूसली अगर ये देगी सुबह उठ के, चल सुबह सुबह 5 बजे का इंटर देगी, तैयार है? हाँ मैं तैयार हूँ, मैं जाती हूँ, तो मैं 3 दिन लगातार सुबह का इंटर देगी, अगर ये देगी तो मैं मान जाऊंगा हाँ ये सुबह उठती है। स्टोरी भी लगा दू, स्टोरी क्या, रोज रोज सुबह सुबह उठ के 5 बजे लगा दे, बहुत बढ़िया है, गुड मॉर्निंग करके अपनी ऐसे गद्दी शिकार, कैसी शिकार, अपनी शक्ल मत दिखाओ, ठीक है। तो गाइस हम जाते हैं मार्केट और थोड़ा बहुत उसका खर्चा भी करवा दूंगी। क्या बोल रही है? कुछ नहीं, आपस की बात है हमारी, बीच में घुसना जरूरी नहीं आपको। हेलो भाई। हाँ जी, सब्सक्राइबर। ओके ओके, क्या नाम है? इंद्रजीत सिंह। अच्छा, कितने रहते हैं? आगे करवाना है। वैसे कोई काम आया थी क्या? अच्छा, रहते कि वैसे टिब्बा रोड। अच्छा इधर। हाँ, खुशी कितने हो रहे हैं? देखो ये देखो, खुशी देखो चेहरे। चलो
हमें भी खुशी होती है, उनको ज्यादा खुशी होती है सब्सक्राइबर जब मिलते हैं। तभी कह रही हूँ काफी लोग होते हैं ना कि हाँ हमने इनको वीडियो में देखा है, रियल में भी देख लिया, मतलब खुशी कितना हो रहे थे ना। मजा आता है, हमें भी मजा आता है। तो गाइस आप लोग ना हमेशा मुझसे कहते थे भाभी कितनी शॉपिंग करती है, कितनी शॉपिंग करती है। देखा लड़कों का भी कुछ कम नहीं होता है। देखो जेंट्स वाले में आए हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो बस ये देखो हाथ में कितने भरे हुए हैं। अब बोलो जेंट्स वाले में क्या मेरा होगा, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, सारा सारा का सारा जेंट्स है। ये देखो बाप रे इतने सारे, मैं पता है क्यों ले रहा हूँ ये सब, ये इसके तेरे भी काम आएगी। देख तू ये पहन सकती है, अच्छा बस ये टी शर्ट पहन सकती है। मैं से पहनती नहीं हूँ, हाँ टी शर्ट पहन सकती हूँ। पहन सकती है, तुम मतलब मेरा सोच के ले रहे हो। रहन दो रहन दो। देखो पूरे साल की शॉपिंग एक ही बार करते हैं ये, अरे चला गए, पूरा साल का एक ही बार निकलवा लेते हो। अब मैं थोड़ा 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 करती तो मेरे से कहते हो हाँ रोज शॉपिंग करती है, रोज मार्केट जाती है। एक ही बार लो ना, रोज रोज क्यों जाना। अच्छा अब नहीं लोगे ना, ठीक है अब लूंगा अगले हफ्ते। तो गाइस इनकी तो शॉपिंग हो गई है डन शादी की। अब शादी में वही लोअर पहन लेंगे, पजामा पहन लेंगे, और जब फेरे होंगे तो वो बॉक्सर लिया है ना वो पहन लेंगे। अच्छा, ऊपर से शादी में ये पहनते हैं। हाँ तो गर्मी में है ना शादी, कौन सा सर्दियों में है जो आप कोट पैंट पहनोगे। वो रहा सब्बे, चलो सब्बे सब्बे हाँ सब्बे। ठीक है भैया, गाइस इसने करनी है डाइटिंग, तो डाइट वाला ही खाना खा रही हूँ मैं। सब्बे में क्या होता है, कौन सा उसमें कुछ ऑयल ऑयल वाला भरा होता है तल तुल के। राजा जी बस हो गया, देखो शॉपिंग करके कितने खुश हो रहे हैं। हर कोई होता है, कौन नहीं होता गाइस, आप बताओ आप लोग खुश नहीं है शॉपिंग करके। होते हो गाइस बताना, होते हो आप लोग खुश, क्यों नहीं होते हैं। मैं तो होता हूँ। इससे पहले ना ऐसा मुंह बना के आ रखे थे जैसे कि मैं जबरदस्ती इनको खींच खींच के मार्केट लाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं ये। और गाइस अगर आप लोगों को भी ये मैजिक ट्रिक सीखनी है ना, तो बस अपने हस्बैंड को ना थोड़ी सी शॉपिंग करवा दो, उसके बाद जो मर्जी इनसे काम करवा लो, खुश होके कर देंगे। अभी मार्केट आने से पहले ना एकदम गुस्से में आ रहे थे, तो मैंने बोला ना कि चलो मार्केट चलते हैं, चलो चलो करके एक तो गुस्सा वाला मुंह बना के आए थे। और मैंने कहा चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लो आप अपने, आपके पास है नहीं कुछ, तो बस खुश हो गया। अभी तो यहाँ पे सब्वे में लेके आए। तो गाइस मैडम का पूरी डाइट का ध्यान रखा गया है, वेजी डिलाइट और ये जीरो कैलोरी वाला है ना। ओ हो जीरो कैलोरी। और हम लोग गरीब, ये देखो मैंगो। डाइट वाली कोक पीते हुए शो ऑफ करते हुए फेस पे एटीट्यूड देखो, कुछ नहीं शो ऑफ कर रही हूं, एटीट्यूड देखो फेस पे लड़की का बस। तो बस यहाँ पर एक लड़की है जो बहुत शर्मा रही है। हेलो तो कर लेना, इतना अच्छा लग रहा है ये देख, इसका एक दुपट्टा है सिलेक्ट नहीं हो रहा है, सही है मस्त लग रहा है। हजार रुपए का क्या? हजार का सूट ही ले ले, कुछ नहीं होता, अच्छा है सच्ची। हाँ हाँ कैमरा बंद करने के बाद बोलेंगे चल यार। गाइस फाइनली यहाँ पर डिसाइड हो चुका है कौन सा कलर होना है कौन सा नहीं होना है। देखो मीटिंग बिठा रखी थी यहाँ पर पिताजी माताजी और इधर उनकी बहू जी, इधर उनका लड़का जी और ये उनका छोटा लड़का, सॉरी दूल्हा दूल्हे साहब, और ये हमारा घर जहाँ पेंट होना है डिसाइड हो चुका है। सो गाइस हमने छत में भी थोड़ा फ्लोर वगैरह लगवाया है, तो अब फ्लोर बोल सीमेंट का फ्लोर ही बोलते हैं उसको। तो ये देखो हमारा कुछ छत इस तरह लग रहा है अब। और गाइस मम्मी कह रही है कि यहाँ पर ना हम गार्डन बनाते हैं, दीवार में फेंका दे, तो रूफ गार्डनिंग भी होती है, तो शायद मम्मी ये सब करवाए यहाँ पे है। मम्मी यहाँ पे गार्डन बनाओगे? सोच तो रही हूँ देखो क्या होता है। मैं तो क्या कहता हूँ इधर उधर फूल पौधे लगा दो और यहाँ पे बिछाने बैठने वाला बढ़िया बैठक बना दो। बोर्ड लगा दे बोलना ठीक है, बिजली वाले को बोलना बोर्ड लगाने, रात को अंधेरे में कभी बैठे गर्मी में चले गई फिर। अभी गाइस रात हो चुकी है और हम सब लोगों ने खाना खा लिया है, और अभी गाइस मैं नेहा से अपनी साली से कुछ सवाल पूछूंगा, देखते हैं वो सवाल का जवाब दे पाती नहीं दे पाती। अगर वो सवाल का जवाब दे देगी तो उसको मिलेगा 150 रुपया। ऐसा मतलब मैं कुछ कहने वाला हूँ, तो उससे कुछ सवाल पूछे देखते हैं उसका दिमाग कितना है, और यही सवाल मैं फिर प्रिया से भी पूछूंगा, तो देखते दोनों आंसर दे पाते नहीं दे पाते, दोनों बहनें कैसे कितना उनका दिमाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहा
तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, आर यू रेडी? अगर तुमने वो जवाब सही दिए तो तुम्हें मिलेगा 150 रुपया, 150 रुपया। हाँ, अगर नहीं दिए तो मिलेगा एक चांटा। आर यू रेडी फॉर दैट? एक हस्बैंड है और एक वाइफ है और उन दोनों की शादी हो जाती है, नहीं वैसे शादी होगी तभी हस्बैंड और वाइफ बने हो। हाँ। ऐसी क्या चीज है जो वाइफ शादी के बाद अपने हस्बैंड को नहीं दे सकती? ऐसी कौन सी चीज है? चीज, हाँ, ऐसा क्या है मतलब जो शादी के बाद वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं दे सकती? प्यार, क्योंकि वो बढ़ जाता है ना। कैसे बढ़ जाता है? मतलब फिर ज्यादा बच्चे से हो जाता है ना। बच्चे तो अभी हुए ही नहीं, अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी तो 9 महीने बाद होते हैं बच्चे तो। नहीं पता, सोचने दे, थोड़ा तो टाइम दो। हाँ, टाइम है तेरे पास, उनके पास टाइम नहीं ना। गाइस, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करो, तब तक जल्दी बोल, चांटा मेरा तैयार हो रहा है। क्या चीज है जो नहीं दे सकती शादी के बाद? नहीं पता, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग नहीं, मेरे को पता है, मैं अभी नहीं बताना चाहता। मैं ये प्रिया से भी मैं पूछूंगा। अच्छा, एक और सवाल है। अब ये बता, सबसे बड़ा क्या होता है, 73 या 69? 69 बड़ा है या 73 बड़ा है, बता। 69 गाइस, वुमेन। बस गाइस, पता लग चुका है, वुमेन वाला मीम बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, प्रिया आ गई। प्रिया, यस, वाह भयंकर, तो क्या चमक, क्यों रही इतनी, कैसे हो रही इतनी मोटी? पति का खा रही है। तो गाइस, अब बारी है प्रिया की, आइए। अच्छा। आपके साथ भी यही शर्त है, बस आपका ये है कि वो थोड़ी पतली थी इसलिए 150 रुपया लगा, तो मेरे लिए 500 रुपया है। तो 150 में तेरा पेट फुल हो जाएगा, इसका 500 में भी नहीं होता ना, इसलिए अब बंदा अगर पार्टी करे जी, पूछो, बेइज्जती मत करो, पूछो। अच्छा चल, ये बता कि ऐसी क्या चीज है जो वाइफ शादी के बाद अपने हस्बैंड को नहीं दे सकती? इज्जत। क्या यही है? पर ऐसा बताओ, ये जीती है कि नहीं जीती है? पर ये कहने की बातें होती है, मैं आपको इज्जत देती हूँ। देती है, इसका मतलब फिर गलत है, हार गई इसका मतलब ये। पर वो जो चुटकुला था ना, मैंने भी पढ़ा था, उसमें यही था। नहीं, चुटकुला नहीं है, सच सच की बात है गाय, कोई चुटकुला नहीं है, रियल में बोल रहा हूं। इज्जत नहीं देती है, ये बात है, उस टाइम याद नहीं था। ऐसे जीने भी नहीं देती, ये बोल सकते हैं। तो रियल साथ कैसे रहते हैं? रियल में गाइस, आप लोग आप बताओ ना, मैं बता रहा हूँ। सर नेम प्रिया आर्या, जीत आर्या हुआ, मैं नहीं हुआ। बहुत रियल ये है, कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, अब हार गई है ना। एक सवाल एक और बचता है दी, चल एक सवाल और है। हाँ, एक और सवाल है, दूसरा सवाल। अब 1000 दोगे, मैं जीत गई तो। हाँ, 1000 दोगे। चल, तो दूसरा सवाल ये है कि 73 बड़ा होता है कि 69 बड़ा होता है? 69। वाह, हमारी छोरी किसी छोरों से कम है के? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 69। देखो, ये इसको अभी नहीं पता लगा था। 79 होता है, 79 होता है। तो गाइस देखो, वुमेन क्या, वुमेन वुमेन ऐसी होती है, वुमेन दिमाग रहा घुटनों में, दिमाग उनका है खाली में। चल निकाल, सॉरी, थप्पड़ था हारने पे, सही में पूरा नहीं बताया आपने। क्या नहीं बताया? मेरे को पूरा बताया था, तीखो पूरा नहीं बताया था आपने। अच्छा चल, जो भी है शर्तें दो सर, तेरे को तो मुक्का पढ़ना चाहिए, मुक्का पढ़ना चाहिए तेरे को, तो मोटी है ना इसलिए। तो गाइस देखो, आपको पता चल गया ना कि दोनों बहनें एक जैसी हैं। सवाल किसी ने भी सही नहीं दिया, मतलब सवाल का जवाब किसी ने सही नहीं दिया। एक दिन आप पूछेंगे फिर। हाँ चलो, पूछना, देखते हैं। मैं जीत चुका हूँ।